अब अगर बात करें जैसे अगले क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन है इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मान लो दिया है ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 55 के इक्वल, और आपको दिया है ए इज टू बी इज टू सी, कितना दिया है ए इज टू बी इज टू सी दिया 3 4, और 3 4 और 4 दिया है। ए इज टू बी इज टू सी आपको 3 4, 3 4 इज टू 4 दिया, और आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 55 दी है। तो आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो आपको ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, अगर ये 3 इज टू 4 इज टू 4 दिया है तो, और यहाँ पे ए एस टू बी एस टू सी दिया है, तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मान लूँगा मैं 3 यूनिट या 3x मान लूँगा, और अगर मैं ए की वैल्यू 3x मान लूँगा और मैं बी की वैल्यू कितनी मान लूँगा 4x मान लूँगा, और सी की वैल्यू कितनी रही होगी 4x रही होगी। अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रही होगी, ए प्लस सी प्लस 11x रही होगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 11x और यहाँ पे 55 है, तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल पाऊँगा 5 निकाल पाऊँगा। अगर अब x की वैल्यू 5 आ गई, और अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो a की वैल्यू किसके इक्वल है 3x के इक्वल है, तो 3 इंटू 5 15 हो गया a की वैल्यू। और अगर b की वैल्यू की बात करूँ तो 4x के इक्वल है, तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 4 इंटू 5 के इक्वल हो गई, तो 20 हो गई। और अगर सी की वैल्यू की बात करूँ अगर तो 5x हो गई, और सी की वैल्यू 5x है अगर तो 5 इंटू 5 25 हो गई, 25 हो गई। तो 15 20 और 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इस सवाल को करता तो मैं कैसे करता, मैं देखता कि 3 4 और 4, तो 3 4 4 कितना हो गया 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू ये कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। और अगर 11 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल है 55 के इक्वल है, और 11 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, 11 यूनिट है यहाँ पे, 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, और तो एक यूनिट की वैल्यू मैं अपने मन में बता देता कितनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, एक यूनिट की वैल्यू हो जाती 5 के इक्वल। ये अगर एक यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करता था तो ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 15 के बराबर हो जाता है। ऐसे ही 4 यूनिट और 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का। इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सन एंड डॉटर इज इन द रेशियो 3:1, तो क्या दिया इसमें, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सन एंड डॉटर इज इन द रेशियो 3:1 है, एंड एंड डॉटर एंड फादर, और डॉटर और फादर का कितना दिया है 3:1 दिया है। डॉटर और पहले क्या दिया है, सन और डॉटर का 3:1 दिया है, फिर डॉटर और फादर का एंड डॉटर एंड फादर इज 3:1, तो पहले क्या दिया है 3:1 इसका दिया है, फिर उस डॉटर एंड फादर का दिया 3:1, एंड फादर हैव 1000 रुपीज। अब क्या दिया है कि पिता के पास कितने 100 रुपीज हैं, फादर के पास कितने रुपीज हैं 100 रुपीज हैं, देन हाउ मच रुपीज रुपीज देन हाउ मच रुपीज डस सन है, तो सन के पास कितने रुपए होंगे ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सन एंड डॉटर इज 3:1 एंड डॉटर एंड फादर इज 3:1 एंड फादर हैव 100 रुपीज एंड फादर हैव 1000 रुपीज, देन हाउ मच रुपीज डज सन हैव, तो सन के पास कितने रुपए होंगे। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सन इज टू डॉटर कितना दिया है 3:1 दिया है, और डॉटर इज टू फादर कितना दिया है, डॉटर इज टू फादर भी 3:1 दिया है।
अब मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे डॉटर 3 है और यहाँ पे डॉटर 1 है, तो मुझे डॉटर तो हर जगह सेम होगी, तो उसको सेम बनाने के लिए इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, सन इस टू डॉटर इस टू फादर आ गया, सन इस टू डॉटर इस टू फादर आ गया 9 इस टू 3 इस टू 1 आ गया। अब 9 इस टू 3 इस टू 1 आ गया। अब मुझे क्या पूछा है कि अगर 1 यूनिट कितने की वैल्यू दी है, जो फादर के पास है वो 100 रुपीज़ है, यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर डोनोट कर रहा है और यहाँ पर 1 यूनिट डोनोट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 रुपीज़ दी है और मुझे 9 की पूछी है, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितनी हो जाएगी, 9000 रुपीज़ सॉरी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 9000 रुपीज़। अब अगर यहीं पे डॉक्टर को पूछता तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ये बता देता 1 कितना दिया है 1000, तो 3 कितना हो जाता, 3000 यूनिट के इक्वल हो जाता, तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाता, 3000 के इक्वल हो जाता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको टाइप जो पहले वाला था उसको टाइप 3 कर लेंगे, कि अगर 2 में भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ रेशियो ऑफ एज ऑफ, यहां से टाइप 3 लिख लो, इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड मदर इज 3:1, क्या दिया, रेशियो ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड मदर इज 3:1 एंड मदर एंड फादर, और मदर और फादर का कितना दिया है यहाँ पे, मदर और फादर का दिया है मान लिया 3:4 दिया है, मदर और फादर का कितना दिया है 3:4 दिया है, और मदर एंड फादर का 3:4 दिया एंड फादर इज सॉरी इसको उल्टा कर लेंगे, 1:3 हो गई, 1:3 इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड फादर एंड डॉटर एंड मदर इज 1:3 एंड मदर एंड फादर इज 4:5, और मदर एंड फादर का कितना दिया है 4:5 एंड फादर इज, अब यहाँ पे फादर को मान लेंगे कितना, फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड, तो डॉटर की एज पूछी आपसे, डॉटर की एज पूछी, अब क्या दिया है डॉटर इज टू मदर, क्या दिया है डॉटर इज टू मदर दिया है 1:3, डॉटर इज टू मदर 1:3 और मदर एंड फादर इज 4:5। अब यहाँ पे मदर 4 है और यहाँ पे मदर 3 है, तो मदर को तो मदर की एज को तो हर जगह इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। अब मुझे यहाँ से डॉटर मदर और फादर की एज का रेशियो मिल जाएगा, तो वो क्या होगा 4:12:15 होगा, और अगर वो 4:12:15 होगा, यहाँ पे इसको 60 कर लो, 60 ईयर्स ओल्ड, अगर वो 4:12:15 होगा तो वो 4:12:15 हो गया। अब मुझे फादर का रेशियो कितना, फादर की एज 60 दी है और यहाँ पे 15 यूनिट है या 15 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट अगर 60 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स के बराबर, और डॉटर की एज कितनी होगी वो कैसे पता करेंगे, तो डॉटर की एज कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 यूनिट को, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4:4 यानी कि 16 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। कैसे करेंगे, कि डॉटर और मदर की एज का रेशियो 1:3 दिया था, मदर और फादर की एज का रेशियो 4:5 दिया था, और अगर उनका रेशियो 4:5 था तो पहले तो हमने रेशियो को बैलेंस करा, जब मुझे डॉटर और मदर और फादर की एज का रेशियो मिल गया तो मुझे पता कि 15 यूनिट कितने को डिनोट कर रहा है, 60 ईयर को डिनोट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने को डिनोट करेगा, और 15 यूनिट की वैल्यू अगर 60 ईयर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स के इक्वल हो जाएगी, और 4 यूनिट क्या थी, डॉटर की एज थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, 16 ईयर्स के इक्वल हो गई। क्वेश्चन है
ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 6:5 और बी प्लस सी इज टू ए इज इक्वल टू 9/2 बी प्लस सी. तो देन ए इज टू बी इज टू सी किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा है. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर. ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 6/5, बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2. तो ए बी और सी का रेशियो पूछा है. अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी और सी, बी प्लस सी और ए. अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी बी प्लस सी प्लस ए बनेगा, बी प्लस सी प्लस ए. तो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हर जगह इक्वल होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू की, तो वो कितनी होगी, 6 और 5. 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11. और यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए की वैल्यू भी 11. तो मतलब ये दोनों इक्वल दिए हैं. तो इक्वल दिए हैं तो मैं इन वैल्यू को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान लूँगा. अगर मुझे तो आंसर लाना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं. अगर मैं आंसर लाना चाहता हूँ तो मैं पहले क्या करूँगा, मैंने देखूँगा इन ए प्लस बी प्लस सी देखना है यहाँ पे. जैसे वहाँ पर बी देखते थे, बी की वैल्यू को सेम करते थे, वहाँ यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दिया है तो उसकी वैल्यू को सेम करेंगे. तो उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी बनी, 6 प्लस 5 यानी 11. और यहाँ पे भी कितनी बन रही है, 9 प्लस 2 यानी कि 11. तो दोनों जगह 11 बन रही है. तो मतलब ये रेशियो बैलेंस है. तो अगर ये रेशियो बैलेंस है तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं ये बोल दूंगा कि सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 5 हो जाएगी. और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. और फिर बचा क्या, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 हो रही थी टोटल, तो बचा क्या, बी बचा. तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 2 7, बचा कितना, 11 में कितना बचा, 4 बचा, तो 4 हो जाएगी. तो अब मुझे ए एस टू बी एस टू सी निकालना है, तो उसके लिए 2:4:5 इस ए प्लस ए एस टू बी एस टू सी आ गया, 2:4:5. अब ये मैंने कैसे कर दिया, अब इसको देखेंगे ज़रा. और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू की बात करूँगा और पहले वाले पार्ट में, तो 11x, क्योंकि 6x और 5x माना होगा हमने. और अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू की बात करूं दूसरे वाले पार्ट में, तो क्या हो जाएगी, 9 प्लस 2. लेकिन ये इस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग होगा, ये अलग रेशियो है, वो अलग रेशियो है. तो 9 प्लस 2 यानी कि 11, तो वो 11y के बराबर मान लिया. अब a प्लस बी तो हर जगह सेम होगा, तो 11x इज इक्वल टू 11y. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y आ जाएगा. तब जहाँ पर मैंने x माना था वहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ. तो यहाँ पर ये x था और ये भी x था. और यहाँ पे अगर b प्लस सी मैंने 9y के इक्वल माना था, तो अब मैं x की जगह क्या भी पुट कर सकता हूँ, y. तो ये कितना हो जाएगा, 9x. y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x. तो अब मैं यहाँ पे भी y की जगह क्या पुट करूँगा, x. तो सी किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, तो नीचे वाले केस में किसके इक्वल हो जाएगा, 5x के इक्वल हो जाएगा. और a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2x के इक्वल हो जाएगी. अब बचा ये 5x प्लस 2x 7x, लेकिन अब बचा कितना, 4x. तो b की वैल्यू किसके इक्वल बची, 4x के इक्वल बची. तो यहाँ से अगर मैं a और b c के रेशियो की बात करूँ, तो x x कैंसिल हो जाएगा. तो डायरेक्ट a इज टू b इज टू c के रेशियो की अगर बात करूँ, तो 2:4:5, ये दोनों रेशियो सेम ही तो आ रहे हैं. तो अगर आपको एग्जाम में टाइम कंज्यूम कम करना है, टाइम बचाना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि मुझे पता है a प्लस b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी बनना है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी बनना है. तो ए प्लस बी जैसे पिछले वाले केस में बी की वैल्यू को सेम करते थे, वहाँ यहाँ पर किसकी वैल्यू को सेम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को सेम करेंगे. तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को मैं कैसे सेम कर सकता हूँ, यहाँ पर देखूंगा 6 और 5 से कितना दिया है, 11. 11 दिया है. यहाँ पर भी कितना दिया, 9 प्लस 2 11 दिया है. तो मुझे पता है इन दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल सकता था, डायरेक्ट रेशियो निकाल सकता था. तो डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि सी की वैल्यू को क्या मान लिया, 5 हो गई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो दोनों एक ही रेशियो में फॉर्मेशन हो गई उनकी. तो सी की वैल्यू 5 हो गई और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 2 हो गई. और b की वैल्यू बचा कितना, 6 और 5 11 हो रहा था. a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा था, 11. और अगर 11 हो रहा था तो b की वैल्यू कितनी बची, अब 4 बची. तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट a इज टू b इज टू c 2:5:4:5 बता दिया. लेकिन अगर इसका अगर मुझे लॉन्ग मेथड जानना है कि ये चीज़ बनी कैसे, तो उसके लिए a प्लस बी प्लस सी पहले वाले केस में मैंने माना ये 6x रही होगी a प्लस बी की वैल्यू, और c की वैल्यू 5x रही होगी. तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11x टोटल हो गई. लेकिन दूसरे वाले केस में अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू की बात करूं, तो दूसरे वाले केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग होगा.
तो अगर अलग होगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 बाई बची, तो 11 अगर a प्लस बी तो यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, तो उन दोनों की वैल्यू को तो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 11x इज इक्वल टू 11 बाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू बाई हो गया। अगर x इज इक्वल टू बाई हो गया तो मैंने b प्लस सी को क्या माना था, 9 बाई माना था, और a को क्या माना था, 2 बाई माना था, लेकिन x इज इक्वल टू बाई था तो x की जगह मैंने, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डायरेक्ट x पुट कर दिया। तो y की जगह अगर x पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 9x और a की जगह 2x, तो a की वैल्यू क्या हो गई, अब 2x हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई, पहले c की बात करेंगे तो c की वैल्यू क्या हो गई, 5x हो गई। अब तीनों की वैल्यू तो 11x बन रही थी, तो 5x और 2x ये हो गई, तो बची 4x उसकी हो गई, तो यहाँ से इनका रेशियो आ गया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला तरीका बहुत अच्छा है कि पहले हम देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू को सेम बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी सेम थी, अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिनमें हमें सेम बनाना पड़ेगा और उससे रेशियो निकालेंगे। जैसे इफ ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू, जैसे यहीं से ले लिया 6 12 अपॉन 10, और यहाँ पे दिया है बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना दिया, 9 अपॉन 2 दिया है। एक क्वेश्चन दिया है इफ ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 12 अपॉन 10, बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, देन ए इज टू बी इज टू सी आपसे पूछा है तो क्या हुआ। तो अब मैंने क्या बताया इसका तरीका कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a b यहाँ भी है, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कितना बनना है, 12 प्लस 10 22, और यहाँ पे b प्लस सी और a को ऐड करता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी होगा, तो वो किसके इक्वल बनना है, 9 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, 11। तो अगर मुझे इनका रेशियो निकालना आसानी से तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी को तो हर जगह सेम होना चाहिए था, जैसे पिछले वाले केस में b को सेम बना रहे थे, यहाँ पे सेम नहीं होता था, और या c को सेम बना रहे थे तीन रेशियो के केस में। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी को सेम बनाने के लिए यहाँ पे 22 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ और पता है कि मैंने क्या बताया था, अगर रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे देर इज नो इफेक्ट ऑन रेशियो। तो मैं अब क्या करूँगा, ये 22 बनना है इसको, 22 ये 22 बनना है, ये 11 बनना है, तो मैं क्या बोलता था, उन दोनों को क्या बनाना है, उनका एलसीएम बनाना है। लेकिन 22 और 11 का एलसीएम क्या बनाया जा सकता है, 22 ही होगा, तो 22 और 11 का एलसीएम 22 होगा, तो इसको मुझे 22 बनाना है, ये तो पहले से ही 22 है, तो इसको 22 बनाने के लिए इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। तो ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, अगर ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 इंटू 2 4, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की अभी बाद में निकालेंगे, पहले सी की डायरेक्ट दी है, तो सी की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई, और ये अगर 4 प्लस 10 14 हो गया, और टोटल था 22, तो 14 में से 14 गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो अब इनके रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी 4 इज टू 8 इज टू 10। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे रेशियो को, तो 2 इज टू 4 इज टू 5, इस क्वेश्चन का क्या गया आंसर आ गया, 2 इज टू 4 इज टू 5। इस पर अब एक और क्वेश्चन लेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जैसे दिया है a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू दिया है 7 अपॉन 4 दिया है, और अगर बात करें b प्लस सी अपॉन ए की तो वो कितना दिया है, मान लिया दिया है 26 अपॉन 7 के इक्वल, ए प्लस बी अपॉन सी 7 अपॉन 4, बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 27 अपॉन 7, देन ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू व्हाट। अब मुझे ये निकालना है ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 7 अपॉन 4, बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 27 अपॉन 7 26 अपॉन 7, देन ए इज टू बी इज टू सी निकालना मुझे। अब मैंने अभी क्या बताया था कि जो चीज़ इक्वल नहीं होती और जो दी है उसको मैं इक्वल बनाना है, तो b जैसे पिछले केस में बता देते थे, अब इस केस में क्या था, a b c यहाँ भी आ रहा है, a b c यहाँ भी आ रहा है, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाना चाहिए। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना बनना है, 11 बनना है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना बनना है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 33 बनना है।
तो अब मैं 11 और 33 को क्या मैं क्या बोलता था, जो चाहिए कल नहीं उनको क्या बनाना है, उनका एलसीएम बनाना है। तो यहाँ पे 33 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 11 33 ही होगा। तो ये वाला तो पहले से ही 33 है, तो मुझे इसको 33 बनाने के लिए, 11 को 33 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 11 है। और अगर 11 को मुझे 33 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं उस केस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 7 के इक्वल हो गई। और अगर ए 7 के इक्वल हो गया तो सी भी 12 के इक्वल हो गया, सी 12 के इक्वल हो गया। अब बचा भी तो 7 और 12 कितना हो गया, 19 हो गया। अब 19 में 33 में कितना हो गया ना, 33 में से 19 जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, और अगर 33 में से 19 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बी की वैल्यू हो गई। और अगर बी की वैल्यू 14 हो गई तो यही इन तीनों नंबर्स का क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इन तीनों नंबर का रेशियो ये आ गया। अगर मैं उसको बात करता, अगर मैं उसको एक्स मान के सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, ए प्लस बी इस टू सी कितना दिया, 7:4, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले इसका डिवाइड के सिंबल का मतलब भी क्या होता है, रेशियो ही होता है। और बी प्लस सी इस टू ए भी किसके इक्वल दिया है, 27:26:7 के। अब मैं यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करूँ तो ये कितना होगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो वो 11x के इक्वल होगा। मैंने इसको x, मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर x मान लिया, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं बाई मान लेता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 26 बाई प्लस 7 बाई यानी कि 33 बाई। और 11x, ये ए प्लस बी प्लस सी की दोनों वैल्यू हैं तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ तो 33 बाई, तो एक्स की वैल्यू 3 बाई के इक्वल आ गई, एक्स की वैल्यू 3 बाई के इक्वल। अब मुझे पता है अगर मुझे इन तीनों नंबर, अगर मुझे तीनों का रेशियो निकालना तो तीनों को एक ही टर्म में लाना पड़ेगा। तो तीनों को एक ही टर्म में लाने के लिए ये ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाले का एक्स था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ऊपर वाले का एक्स था तो ऊपर वाले के नंबर क्या रहे होंगे, ऊपर वाले का ए प्लस बी कितना रहा होगा, 7x के इक्वल रहा होगा, और सी कितना रहा होगा, 4x के इक्वल रहा होगा। अब सी और 4x के इक्वल रहा होगा तो सी की वैल्यू यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू में यहाँ से क्या रख दूंगा, 4:3, तो 12 बाई के इक्वल। और नीचे वाले केस में तो ए था ही तो वो बाई के टर्म में पहले से ही था, तो ए किसके इक्वल हो गया, 7y के इक्वल। अब ये 12y हो गया और ये 7y हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 33y। अगर ए प्लस बी प्लस सी 33y था तो ये 12y और 7y हो गया यानी 19y। और तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तीनों की वैल्यू अगर 33 है तो, और 33 में से मैं 19 को हटाऊंगा, 19 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी की वैल्यू मुझे मिलेगी तो वो 14y के इक्वल मिलेगी। और अगर बी की वैल्यू मुझे 14y के इक्वल मिलेगी तो ए इस टू बी इस टू सी किसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं उनका रेशियो आसानी से निकाल पाऊंगा क्योंकि तीनों एक ही वेरिएबल के टर्म में, तो 7y इस टू 14y इस टू 12y। अब मैं जब इसको बाई से डिवाइड करूंगा तो ये रेशियो को क्या बन जाएगा, 7:14:12। देखो दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आ रहा है, लेकिन आपको मैं ये बोलूँगा, आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला मेथड सब अप्लाई करना है कल बनाने वाला। ये वाला मेथड टाइम कंज्यूमिंग है और आपको एग्जाम में अगर टाइम सेव करना है तो इसको आपको ऊपर वाले मेथड को अप्लाई करना चाहिए। क्या करेंगे कि मैं देखूंगा तीनों में ए प्लस ए बी सी आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं तीनों का एडिशन निकालता हूँ तो वो सेम होना चाहिए दोनों केस में। यहाँ पे बेसिक रेशियो में क्या बनना था, 11 बनना था। यहाँ पे बेसिक रेशियो में क्या बनना था, 33 बनना था। और मैं ये भी बोलता हूँ कि दो चीज़ दी हैं ए प्लस बी प्लस सी तो वो तो हर जगह सेम होगी, या एक जगह 11 एक जगह 33 है, तो उन दोनों को क्या बनाना है, उनका एलसीएम बनाना है। और अगर उनका एलसीएम बनाना है तो 11 और 33 का एलसीएम क्या होता है, 33 होता है। 33 अगर उन दोनों नंबर का एलसीएम होता है तो ये तो पहले से ही 33 है। अब मुझे इसको 33 बनाना है, अगर इसको 33 बनाना है अगर, तो ये 11 है तो 11 को 33 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो रेशियो में मल्टीप्लाई तो दोनों जगह होगा, तो इंटू 3 ऊपर भी इंटू 3 नीचे भी, तो ये क्या बन गया, 7:3, और नीचे क्या बन गया, 4:3। अब एक ही वैल्यू यहाँ से मैं क्या, दोनों रेशियो बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी 33 बन गया, 7:3 4:3, तो 11 इंटू 3 33 हो गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 33 दोनों जगह सेम हो गया। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 33 यहाँ भी 33, तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू क्या बता पाऊंगा, 12 बता पाऊंगा। यहाँ से ए की वैल्यू क्या बता पाऊंगा, 7 बता पाऊंगा।
और 12 7 19 हो गया, 19 33 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 14। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 14 किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 7:14:12। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये वाली टाइप भी हो गई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9। दो नंबर का रेशियो कितना है, 4:9 है। इफ बोथ इंक्रीज बाय 12, इफ बोथ इंक्रीज बाय 12, और मैं दोनों नंबर को 12 से बढ़ा देता हूँ, द रेशियो बिकम्स तो रेशियो कितना हो जाता है, 11:21 हो जाता है। द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज, तो दो और दो नंबर थे उनका ओरिजिनल सम क्या होगा, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज। अब क्वेश्चन क्या दिया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, इफ बोथ इंक्रीज बाय 12 द रेशियो बिकम्स 11:12, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज। दो नंबर का रेशियो हमें 4:9 दिया है, और उन अगर मैं उन दोनों नंबर को उन दोनों नंबर में 12 ऐड करता हूँ तो उनका रेशियो 11:21 हो जाता है। द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज, तो ओरिजिनल नंबर जो वो एक्चुअल नंबर्स रहे होंगे उनका सम क्या हुआ, ये आपसे पूछा है। तो एक्चुअल नंबर्स मैंने मान लिया a:b = 4:9, 4:9 रहा होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से कोई बताएगा क्या, a की वैल्यू 4x रही होगी और b की वैल्यू क्या रही होगी, 9x के इक्वल रही होगी, यही तो रही होगी। अब a की वैल्यू अगर 4x है, पहला वाला नंबर 4x है, दूसरा वाला नंबर 9x है, तो मैं इस नंबर में अगर 4x नंबर है उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 12, और दूसरा वाला नंबर क्या है 9x, उसमें भी मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 12 ऐड कर रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल हो रहा है, ये किसके इक्वल बन रहा है, 11/21 के, क्योंकि 4x ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में पहले वाले ओरिजिनल नंबर में मैंने 12 ऐड किया और दूसरे वाले ओरिजिनल नंबर में मैंने 12 ऐड किया, तो उनका रेशियो क्या बन गया, 11:21 बन गया, 11:21 बन गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो 4x और 21 तो ये कितना हो गया, 84x प्लस 12 × 21 = 99x प्लस 12 × 21। अब मैंने इन दोनों का मैंने वो मल्टीप्लाई इन दोनों का क्यों नहीं लिखा करके, क्योंकि मैंने देख लिया था कि यहाँ भी, क्योंकि मैंने देख लिया था यहाँ भी 12 कॉमन है, यहाँ भी 12 कॉमन है, जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो 84x और 99x, तो ये कितना बचेगा, 15x, और ये जब इधर आएगा तो मुझे पता है 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन लेके 21 - 11, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, 21 - 11, क्योंकि 12 कॉमन था तो मैंने इसलिए इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करके एक्चुअल नहीं लिखा, यहाँ पे इसका नहीं लिखा, क्योंकि जब मुझे पता है कि 12 कॉमन है तो उनमें से कुछ कैंसिल होगा तो इनको पूरे की करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो 15x = 12 × 21 - 11, तो कितना होगा, 12 × 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8, और अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो नंबर को हमने क्या माना था, 4x और दूसरे नंबर को 9x, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 4 × 8 = 32, और b की वैल्यू 9 × 8 = 72, और अगर इन दोनों क्या पूछा है, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो 32 + 72 ये कितना हो जाएगा, 104, और ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो कैसे करेंगे इसको फिर से देखते हैं कि मैंने क्या मान लिया, नंबर क्या रहे होंगे, 4x और 9x रहे होंगे, नंबर अगर 4x और 9x रहे होंगे तो 4x में जब मैं 12 ऐड करूंगा और 9x में जब मैं 12 ऐड करूंगा तो उनका रेशियो क्या बन जाएगा, 11/21 उनका रेशियो बन गया, 11/21 अगर रेशियो बन गया। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 84x + 21 × 4 = 84x, प्लस मैंने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया इसको 99x,
और इसको 12 इंटू 11, ये इतनी बात हो गई 12 इंटू 11, फिर 99x और 84x में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इन दोनों को तो ये कितना बन गया 15x, और जब मैं इन दोनों में से 12 कॉमन लूँगा तो 21 माइनस 11, 21 माइनस 11 इज 12, 10, 21 माइनस 11 इज 10, तो 12 इंटू 10 और इज इक्वल टू 15x, तो x की वैल्यू 8 आ गई, अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो 4x ओरिजिनल नंबर था और एक 9x ओरिजिनल नंबर था, तो 4 इंटू 8 और 9 इंटू 8 32 और 72, 104 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, तो 104 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थ्री द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वॉज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9 वॉज इंक्रीज इन द ड्यू टू विच फुटफॉल इन द रेशियो फुटफॉल फेल इन द रेशियो Due to which footfalls fell in the ratio 13:11 due to What is the new collection of Fun Park if initial collection was rupees इनिशियल कलेक्शन वो रुपीज 180। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वॉज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9, जो एंट्री टिकट था किसी भी फन पार्क में वो इंक्रीज हुआ 7:9 में। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले वो टिकट 7 रुपये की आती थी, अब वो टिकट कितने रुपये की आ रही है 9 रुपये की आ रही है। अगर पहले वो टिकट 7 रुपये की पड़ती थी तो अब वो टिकट कितने रुपये की हो गई 9 रुपीज की हो गई। ड्यू टू विच जिसके कारण फुटफॉल फेल इन द रेशियो, जिसके कारण मतलब जो वेटर्स थे उनकी उनका रिड्यूस हो गया, उनका रिडक्शन हो गया कितने रेशियो में 13:11 में। अगर पहले 13 आते थे तो अब कितने आ रहे हैं 11 आ रहे हैं, अगर पहले 13 आते थे तो अब कितने आ रहे हैं 11 आ रहे हैं। देन वॉट इज द न्यू कलेक्शन ऑफ फन पार्क, तो अब फन पार्क का न्यू कलेक्शन क्या हुआ, अगर इनिशियल कलेक्शन कितना है रुपीज 18200 है, तो पहले कलेक्शन कैसे निकालेंगे, कलेक्शन अगर किसी भी चीज़ का कलेक्शन निकालना है, कलेक्शन निकालना है अगर किसी भी चीज़ का तो कैसे निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन टिकट इनटू नंबर ऑफ बीटर्स, ऐसे तो कलेक्शन निकलेगा, तो कॉस्ट ऑफ वन टिकट इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स, कॉस्ट ऑफ वन टिकट इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स। तो पहले वाले केस में मैंने मान लिया कि बीटर कितने थे, पहले 7:9 के रेशियो में बीटर घटे हैं, तो पहले वाले केस में बीटर होंगे, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं इनिशियल, इसको क्या भी बोलेंगे इनिशियल भी बोलेंगे, फर्स्ट केस की बात करूं तो बीटर जो क्या कहते हैं फन पार्क में वो टिकट की कॉस्ट कितनी थी 7, तो मैंने मान लिया 7x रही होगी। और पहले फर्स्ट केस में वेटर्स की जो संख्या थी, जो वेटर्स का नंबर था वो कितना था 13, तो मैंने 13x मान 13y मान लिया इसको। लेकिन सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो वेटर कितने हो गए, वो टिकट की कॉस्ट कितनी हो गई 9, यानी कि 9x हो गई इनटू, और सेकंड वाले केस में क्या कहते हैं जो वेटर्स आए हैं वो कितने हो गए 11 यूनिट, यानी कि 11y हो गए। अब ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अगर मैं इनके कलेक्शन की बात करूँ, ये पहले केस में कलेक्शन हो गया, ये सेकंड केस में कलेक्शन हो गया,
तो इनके कलेक्शन का रेशियो क्या होगा, इनके कलेक्शन का रेशियो 91xy अपॉन 99xy होगा। xy से xy कट जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इनिशियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये इनिशियल कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये फाइनल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनिशियल कितना था, अब कितना रेशियो बन गया, 91:99। अब क्या दिया सवाल में, सवाल में ये दिया कि इनिशियल कलेक्शन कितना है, 18200 है। अगर अब 99 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल दी है, 18200 के इक्वल दी है। तो अब मुझे पता है एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, अगर 18200 91 की वैल्यू है तो अपॉन 91 एक इसकी वैल्यू बन गई, एक की वैल्यू बन गई, एक यूनिट की वैल्यू बन गई। और मुझे तो क्या चाहिए, फाइनल कलेक्शन चाहिए, व्हाट इज़ द न्यू कलेक्शन या फाइनल कलेक्शन। तो इसको क्या, एक यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 99 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 200 टाइम्स जाएगा, और ये 99 × 2 कितना हो जाएगा, 19800, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या मैं इसको क्या भी मान लूँ, अब या मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ, या मैं इसको के मान लूँ, 91K और 99K, ये क्या है, फाइनल कलेक्शन है। अब 91K और 99K अगर फाइनल कलेक्शन है, अगर तो 91K इज इक्वल टू 18200, तो के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 200 के इक्वल आ जाएगी। और अगर के की वैल्यू इसके इक्वल है तो 99K की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1980 के इक्वल आ जाएगी। यही, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कलेक्शन किसी भी चीज़ की कैसे निकाल सकते हैं, मुझे कलेक्शन का वो पूछा, फाइनल कलेक्शन पूछे, इनिशियल दिए। तो कॉस्ट ऑफ, अगर मुझे वन टिकट पता हो इंटू नंबर ऑफ बीटर्स पता हो, जैसे मैं कलेक्शन निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ बीटर्स, मैंने नंबर पहले केस में मैंने कॉस्ट क्या मान ली, 7x थी। और दूसरे केस में और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बीटर्स कितने हो गए, 13y हो गए। लेकिन सेकंड केस की बात करूँगा अगर मैं, तो कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितनी हो गई, 9x हो गई, और नंबर ऑफ बीटर्स कितने हो गए, 11y हो गए। तो अब पहले वाले केस और सेकंड वाले केस का मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, मुझे दिख रहा है xy कैंसिल हो जाएगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी बचेगी। 91 जो कि इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा था, 99 जो कि फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मैं ये बोलूँगा मुझे इनिशियल की कलेक्शन दी है, तो जो कि 91 यूनिट है सवाल में, और 91 यूनिट की वैल्यू मुझे सवाल में कितनी दी है, 1820 के इक्वल दी है, तो 200 के इक्वल दी है। अब मैं क्या करूँगा, तो 1820 91 की वैल्यू है, अगर रेशियो की वैल्यू है, तो एक रेशियो की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू या एक्स की वैल्यू या एक के की वैल्यू मुझे पता लग गई। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई तो एक के की, तो अब 99 के की तो कैसे निकल जाएगी, 99K 1980, या ऐसे भी कर सकते हैं, एक यूनिट एक ही रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई तो 99 रेशियो की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन की, इफ रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का रेशियो कितना दिया, 4:7 दिया है, और द रेशियो ऑफ बी एंड सी इज, द रेशियो ऑफ बी एंड सी इज, और बी और सी का रेशियो कितना दिया है, 5:6 दिया है, एंड और सी और डी का रेशियो कितना दिया है, सी और डी का 4:3 दिया है, एंड डी एंड डी टू ई इज कितना दिया है, डी टू ई दिया है 7:13। तो अब क्या बताना है, देन फाइंड a:b:c:d:a। अब इसके ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन क्या रहेंगे, इसके ऑप्शन रहेंगे या ऑप्शन छोड़ो, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ये लिख लो ऑप्शन 1910:420 520:1092:819:820 और बी ऑप्शन है इसका 910:520:1092 और
819 और कितना दिया है 420। और अगर इसके सी ऑप्शन की बात करूं तो क्या क्या दिया है 819 910 1902 520 520 420। और डी डी ऑप्शन दिया है 520 210 520 910। वन जीरो नाइन टू और 819 819 420। अब अगर मैं बात करूं, मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि मैं बोल रहा था पिछली क्लास में कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं, ये शीट का क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपको अपलोड हो जाएगी और उसी में से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो प्रोपोर्शन का बेसिक पढ़ना बाकी है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो कंपाइल बन ओके बनेंगे, तभी उन दोनों में अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे मैक्सिमम, और आपको सीट मिल जाएगी उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सीट का क्वेश्चन है। तो अब मुझे क्या दिया, ए एंड बी का रेशियो 4:7 दिया है। अब मैंने क्या बोला था, पहले मैं चेक करूँगा ए और बी का रेशियो 4:7 कौन से ऑप्शन में बनना है। अब ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 4:7 बनना है ए और बी का, यहाँ पर तो ए बड़ा चला गया बी से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे छोटे को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 वैल्यू को और बी 7 को, जबकि यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब इन दो ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन दोनों का रेशियो भी क्या बनना है 4:7 बनना है, 520 और 910। जब आप सॉल्व करोगे 520/910 को तो 0 से 0 और 4 13 टाइम्स जाएगा तो 4/7 बन जाएगा। अब ये वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो क्या ए वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4:7 का मतलब क्या होता है, 4:7 यानी कि उनमें मतलब डिफरेंस है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ तो डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ डिफरेंस ये कितना 91:9 है और ये 99:10 है, 91:10 है, तो यहाँ पर तो रेशियो इसका क्या बन जाएगा 99:10 बन जाएगा, 9:10 तो 9:10 या जबकि रेशियो कितना दिया 4:7, तो ये भी गलत, और आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ऑप्शन एलिमिनेशन, लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया था वो आपको आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने बोला था जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें वो जो मेथड है वो यूज होगा, बिना उस मेथड के जब आप क्वेश्चन को टाइम कंज्यूम लेके करोगे और वहाँ पे हमारा टाइम बहुत बेस्ट हो जाएगा, अब एक एक सेकंड हमारे लिए बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं ऐसे क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में तब तो हम इससे देख ही लेंगे, लेकिन जब वो बीच में ये चीज़ कहीं यूज हो रही होगी तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन जब ऐसे होगा तो हम पहले किसी एक रेशियो को पकड़ेंगे, फिर उससे मान लिया अभी यहाँ पे एक रेशियो से ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन मान ले दो ऑप्शन एलिमिनेट होते एक कंडीशन से एक रेशियो से, तो इन दोनों को काट देते, फिर बचते दो में से, फिर इस रेशियो को चेक करता मैं, फिर इस रेशियो को चेक करता, फिर उससे का नहीं होता एलिमिनेट, फिर इस पे आता, तो ऐसे करके इसी ऑप्शन से ही सारे ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दे रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कैसे करा कि 4:7 ए और बी का रेशियो दिया था, अब यहाँ पे एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है छोटी वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर मैं और इसका रेशियो क्या कितना बनना है 7:4 बनना है, 7:4 रेशियो बनना है, जबकि ए और बी का रेशियो कितना बनना था 4:7 बनना था, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा, तो ये भी गलत, यहाँ पर 9:10 बनेगा, 9:10 तो बन ही नहीं सकता, और यहाँ पे ही 4:7 बनना, तो यही आंसर हो गया। ऐसे एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। अगर बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन ए क्लास देयर आर जेड स्टूडेंट, किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, जेड स्टूडेंट, एंड एक्स आर बॉयज, और एक्स क्या है बॉयज, देन व्हाट फ्रैक्शन
ऑफ क्लास आर गर्ल्स। अब क्या पूछा है इसमें, इन्हें क्लास किसी भी क्लास में दे रहा, जेड स्टूडेंट्स जेड स्टूडेंट है एंड एक्स आर बॉयस, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, बॉयज हैं। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास आर गर्ल्स, तो गर्ल्स क्लास का कितने फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो पेपर में या आपके एग्जाम में नंबर आते हैं, तो मान लो आउट ऑफ क्या दिया रहता है 100, तो जब नंबर लिखते हैं जैसे आई मान लिया 85, तो जब भी आपके नंबर शो करता है, जब भी आपकी कॉपी में नंबर शो करेगा तो कैसे करेगा, 85/100, यानी कि जो टोटल है वो कहाँ लेते हैं, नीचे। टोटल है वो कहाँ लेते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, नीचे 85, और जो है आपके पास है उसको कहाँ पे लेते हैं, ऊपर, जिसका फ्रैक्शन बताना, तो उसको जो जिस जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में बताना है उसको नीचे, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में, जो 100 उस केस में क्या था, टोटल टोटल मार्क्स थे, उसके रिस्पेक्ट में ही तो मार्क्स बताई जा रहे थे, परसेंटेज बताई जा रही थी, तो टोटल के रिस्पेक्ट टोटल को नीचे लेते हैं, और जो आपको वैल्यू जो आपके मार्क्स आए हो उसको ऊपर लेते हैं। तो इसी केस में भी ऐसा ही होगा कि फ्रैक्शन बताना, तो फ्रैक्शन बताने के लिए टोटल को नीचे लेंगे, तो किसका बताना, क्लास का, क्लास में लेकिन स्टूडेंट कितने थे, जेड, तो अपॉन जेड। अब मुझे किसकी फ्रैक्शन बतानी है, गर्ल्स की बतानी है, बॉयज़ की तो बतानी नहीं है। अगर एक बात बताओ, अगर जेड टोटल स्टूडेंट है क्लास में और उसमें से एक्स बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी, जेड अगर टोटल स्टूडेंट है और एक्स बॉयज़ हैं, तो जेड माइनस एक्स ही तो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, तो ऊपर क्या जाएगा, जेड माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि क्यों लिया, जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड क्या था, टोटल था, और जो बताना था, जिसके टोटल को क्या लेते हैं, हमेशा नीचे लेते हैं, और जिस चीज़ का बताना है उसको ऊपर लेते हैं, तो गर्ल्स का बताना था तो जेड माइनस एक्स ऊपर ले लिया। अब जब मैं इसको जेड अपॉन जेड करूँगा और माइनस एक्स अपॉन जेड, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन जेड, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे फिर से बताता हूँ, जो टोटल जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसको क्या लेंगे, नीचे लेंगे फ्रैक्शन में बनाने के लिए, तो जेड क्या थे, क्लास के रिस्पेक्ट में बताना है, लेकिन क्लास में क्या होते हैं, तो टोटल स्टूडेंट दिए हैं, तो टोटल स्टूडेंट को क्या लेंगे, नीचे लेंगे, तो जेड क्या थे, टोटल स्टूडेंट थे, लेकिन गर्ल्स कितनी थी, अगर एक्स बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी बची, जेड माइनस एक्स गर्ल्स बची, तो जेड माइनस एक्स अपॉन जेड, तो जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एक्स अपॉन जेड वन माइनस एक्स अपॉन जेड, ये क्या होगी, फ्रैक्शन हो गई, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक पहले जो कल की क्लास में था वो रेशियो का बेसिक पढ़ा था, रेशियो को फॉर्मेशन कैसे होती है वो पढ़ा था, फिर रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई देर इज नो फैक्टर रेशियो, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था, जब दो रेशियो दिए रहते हैं तो उनको बैलेंस करके एक रेशियो में कैसे लिखते हैं, जैसे एस टू बी, बी टू सी दिया था, सी टू डी दिया था, तो उनको एक रेशियो में कैसे लिखना है, फिर उसके बाद आज की क्लास में क्या करा हमने, आज की क्लास में उस पर बेस्ड क्वेश्चन करे, जैसे ए प्लस बी दिया है अपॉन सी दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी को वहाँ पर इक्वल बनाना रहता था, और ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाना रहता था, फिर उसके बाद हमने एज की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करे थे, एज के प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद, फिर उसके बाद हमने वो टिकट वाला क्वेश्चन डिस्कस करा था, टिकट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर हमने जो टाइप बची थी कल में वो क्या डिस्कस करी थी, जैसे 3p = 4q = 5r करके दे रखा था, और वहाँ से रेशियो पूछता था, p:q:r का रेशियो पूछता था। तो अब ये हुआ आज के लिए, लेकिन अब बात करें अगर इस रेशियो के अच्छे क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए पहले हमें प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो तो हमने अभी पढ़ लिया है, लेकिन प्रोपोर्शन पढ़ूंगा, अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ, रेशियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ही चीज़ है, तो उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जब कंप्लीट करके पढ़ेंगे, तो उसके बाद कंपाइल करके उन दोनों पर कंबाइंड क्वेश्चन बनेंगे, वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, तो अभी के लिए हेडिंग लगाएंगे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन के मीनिंग के लिए यहाँ से रेशियो की प्रॉपर्टी, यहीं से कुछ और प्रॉपर्टी मिलेंगी हमें रेशियो की, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 9 मैंने लिखा 9 18 और 36 और लिख दिया 72। प्रोपोर्शन का मतलब सिर्फ इतना सा रहता है कि पहले वाली दो टर्म का रेशियो दूसरे वाली दो टर्म के इक्वल होना चाहिए। अब मुझे चेक करना है ये नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं, अब पहले वाली टर्म क्या है 9 और 18, तो 9/18 ये कितना हुआ 1/2, और बाद वाली दो टर्म कितनी है 36/72, तो इनका भी रेशियो क्या आ रहा है 1/2 ही आ रहा है।
अब इन दोनों टर्म का रेशियो, इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले वाली दो टर्म का रेशियो बाद वाली दो टर्म के बराबर होगा, तो वो तीनों वो चारों चीज क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसका भी रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका भी रेशियो 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 9, 18 और 36 और 72 आर एन प्रपोर्शन। ये किसमें, प्रपोर्शन में। अब क्या है, 9:18 और 9:18 36 और 72 किसमें, प्रपोर्शन में। तो ये तो प्रपोर्शन को चेक करना होगा। अब बात करें प्रपोर्शन की कुछ और, जैसे अगर अब मैं आपसे बात करूं कि 9:18 और मान लिया 36, क्या ये प्रपोर्शन में है, तो मैंने क्या बोला था, पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के बराबर होना चाहिए, तभी वो चीज़ें किस में रहेंगी, प्रपोर्शन में रहेंगी, समानुपात में रहेंगी। तो अब मैं देखता हूँ पहले वाली दो टर्म का रेशियो कितना आ रहा है, 9/18, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया, और फिर बाद वाली दो टर्म का रेशियो किसके इक्वल बनना है, 18/36, ये भी किसके इक्वल बनना है, अब यहाँ पे टर्म ही तीन है टोटल, उस केस में कितनी टर्म थी, उस केस में चार टर्म थी, तो पहले वाली दो के टर्म का रेशियो बाद वाली दो के टर्म का, लेकिन इसमें जब तीन टर्म है तो एक टर्म ओवरलैप कर जाएगी, पहले वाली दो ये हो गई और बाद वाली दो ये बन गई, तो उनका रेशियो सेम होना चाहिए, तो 1/2 और इसका भी रेशियो 1/2, तो ये भी क्या है, आर एन प्रपोर्शन। ये भी क्या है, प्रपोर्शन में। अब एक बात हमने यहाँ से ये सीखी कि अगर तीन नंबर दिए ए बी और सी, इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स देन दे विल बी इन प्रपोर्शन इफ, तो वो किस में होंगे, प्रपोर्शन में कब होंगे, जब मैंने क्या बताया पहले वाली दो टर्म, तो पहले वाली दो टर्म क्या बन रही है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बाद वाली दो टर्म इस केस में क्या है, बी अपॉन सी। तो तीन नंबर का अगर मुझे प्रपोर्शन बताना है, थ्री नंबर ए बी सी आर, इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स देन दे विल बी इन प्रपोर्शन इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, यही तो हो रहा है यहाँ पे कि 9 क्या है ए और बी क्या है 18 है और सी क्या है 36 है, तो उनके प्रोपोर्शन के लिए 9/18 1/2 आ रहा था और यहाँ भी 1/2 आ रहा था, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा था 1/2, तो 6 आ रहा था, तो वो प्रोपोर्शन में थे। तो ये तो हुआ प्रोपोर्शन का पहला बेसिक। अगर मैं अब बात करूँ, अभी तक तो ये सिर्फ चेक करना था, अगर क्वेश्चन सिर्फ अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि 9, 12 और कोई नंबर है x, आर एन प्रपोर्शन, ये आपको गिवन है आर एन प्रपोर्शन, कि 9, 12 और x प्रपोर्शन में आपसे ये बोल रहा है, देन x की वैल्यू क्या होगी, तो आपसे x की वैल्यू पूछता है। अब मैंने क्या बोला है, तीन नंबर है अगर, तो तीन नंबर के प्रपोर्शन में क्या रहेगा, पहले वाले दो नंबर का रेशियो बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर होना चाहिए, यही तो होना चाहिए प्रपोर्शन में, यही होता है प्रपोर्शन, क्योंकि पहले वाले दो नंबर का रेशियो बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब पहले वाले दो नंबर क्या है, 9/12 और बाद वाले दो नंबर 12/x, यही तो होना चाहिए। अब 9 से कितनी टाइम जाएगा, 3/4 चला गया है, और अब ये अगर 3/4 चला गया तो ये फिर से कितनी टाइम जाएगा, 4 times, तो 4 × 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। अब ये चेक करना है कि 9/12 और मुझे चेक करना है गलत है कि सही है, 12/16 के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी कितना आ रहा है, 3/4 और ये भी कितना आ रहा है, 3/4, मतलब सही है। तो अगर मैं मतलब तीन नंबर का रेशियो निकालना, प्रपोर्शन निकालना, तो ऐसे निकालेंगे। अगर मैं इसको बेसिक से करता, शॉर्ट में करता, तो कैसे करता, इनका मैंने 9:12 कितना बनना है, 3:4, अब इनका भी 3:4 बनेगा, तो 3 अब किसकी वैल्यू है,
थ्री थ्री की वैल्यू अब क्या है, 12 है, 12 अगर 3 की वैल्यू तो 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है, और जबकि इनका रेशियो क्या बनना था 3:4, तो 4 टाइम्स तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 × 4 16 हो गया। ऐसे कैसे मैं बताता हूँ कि 9/12 कितना बनना है, 3/4, और 9/12 3/4 बनना है, तब उन दोनों इन पहले वाले दो का रेशियो बाद वाले दो के बराबर होना चाहिए था, तो 3 अब किस रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, 12 को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 रेशियो की वैल्यू 12 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर, और अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है तो एक्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 4 रिप्रेजेंट करेगा, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 16 के बराबर हो, और ये यहाँ से क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो ये अभी रेशियो प्रोपोर्शन का हुआ बेसिक, और अब पढ़ेंगे कल इसको।